हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओ वन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में क्या कुछ लेवल्स हमें आज देखने को मिले, कैसे हम ट्रेड ले सकते थे और कैसे हमने लिया था, एंड बैंक निफ्टी में भी सेम क्या कंडीशंस रही थी, और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मतलब कल क्या कुछ प्रोडिक्शन रह सकती है, उसमें पूरे डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। एंड उसके अलावा हम करेंगे बात दोस्तों कुछ बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में, जिनमें आने वाले कुछ दिनों में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, मेरे इस एफर्ट को दोस्तों बेकार मत जाने दिया करो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ताकि यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को और भी लोगों को रिकमेंड करे और सभी का भला हो एंड हमारी कम्युनिटी की भी ग्रोथ हो, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 आप देख रहे हैं दोस्तों, गैप अप ओपन होती है, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करती है, बट होता क्या है, फाइनली यहाँ पे हैमर कैंडल आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। हैमर कैंडल बनाने के बाद ये क्या करती है, अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करती है, देन यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता है। इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री हो सकती थी। बाय द वे, मैं निफ्टी 50 में कभी भी ट्रेड नहीं लेता, बट आप लोगों ने प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे एंट्री ली होगी, तो इस जगह पर हमारी एंट्री बनती थी दोस्तों। उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है एंड वापस ये रिटेस्ट करता है दोस्तों। अगर हम देखें तो इसमें जो क्लोजिंग आई है बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास आई है, ठीक है। अब कल देख लेते हैं दोस्तों, कल की जो लेवल है वो ये रहने वाली है 20,115 की, एंड नीचे की तरफ देखेंगे आप 20,000 के आस। इस रेंज में दोस्तों कल आपको ये ट्रेड करती हुई मिल सकती है, क्योंकि कल का दिन है एक्सपायरी का। तो एक्सपायरी में मुझे लगता है दोस्तों कि कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर निफ्टी सीधा ही गैप अप ओपन होती है, उसके बाद अपने आप को रिटेस्टमेंट करके वापस से इस रेंज में जो है यहाँ पे कहीं पे ट्रेड आपके करते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन मिलती है तो भी आपको इस रेंज में आपको दिखाई पड़ सकती है। तो इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कल वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ कल मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है इस तरह का मूवमेंट आपको देखने ले, मतलब यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके गए, ऊपर लेके गए, वापस से यहाँ पे लाके इसको प्राइस को जो है क्लोज कर दिया, मतलब जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्लोजिंग देनी बन सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है प्रीमियम को डीके किया जाए ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है। मैंने आपको कल लेवल दी थी दोस्तों, ये वाली लेवल, अगर ये वाली लेवल क्रॉस करती है तो यहाँ तक आपके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ये वाली लेवल सस्टेन करती है तो आपको ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते थे, बट होता क्या है, गैप अप ओपन होती है, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है एंड देन प्राइस को धीरे 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 जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन होके एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी सॉलिड रिकवरी आती है यहाँ पे, उसके बाद प्राइस को यहाँ पे रेंज पे रखा जाता है, फिर से एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को, फाइनली ये टारगेट आपको देखने को मिलता है। एंड सेकेंड हाफ में क्या होता है, प्राइस को रिट्रेसमेंट किया जाता है, उसके बाद देखो दोस्तों कितनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने, मतलब जो ये था ये बहुत ही क्रुशियल रेजिस्टेंस था हमारा 44,400 का, जैसे ही ये क्रॉस किया इसने एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों का SL लगा हुआ था, ठीक है। अभी ये जो है कम्प्लीटली एक बुलिश मोमेंटम में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जा चुके हैं, तो आगे भी ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। एंड अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कल के दिन क्या कुछ लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ दोस्तों, कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होती है इस जगह के आसपास, तो होगा क्या, वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस जगह के आसपास सपोर्ट लेगी एंड फिर से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, कल इसी रेंज में आपको घूमती हुई दिखाई पड़ सकती है। ये वाले लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मतलब 12 बजे के आसपास अगर इस लेवल को निकालती है तो दोस्तों फिर से एक बहुत ही अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है, जो कि हमें लेके जा सकती है 45,000 के आसपास, तो आप इस पे जो नज़र बना के रख सकते हैं। नाउ दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें एक अच्छा मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों सागर सीमेंट। सागर सीमेंट में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक आप इंस्टीट्यूशन प्राइस को भी देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये वाली लेवल रहने वाली है। अगर ये वाली लेवल आपको क्रॉस होती हुई दिखती है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, तो आप जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सब आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक है दोस्तों हमारा रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया मैंने आपको पहले भी स्टडी कराया था इस जगह के आसपास, जब ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल टच में था, तो फाइनली होता क्या है दोस्तों, इसमें भी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। अभी आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये हम लोगों ने नहीं बनाई है, एक छोटे रिटेल ट्रेडर तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। 215 से लेके 240 तक की कैंडल जो बनी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूशन का एक्टिवेशन मिल रहा है, तो
अगर ये प्राइस इस वाले लेवल को दोस्तों सस्टेन करता है 240 को, तो उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है इस प्राइस में। एंड नेक्स्ट हो के दोस्तों हमारा फिनोटेक केमिकल, पहले भी मैंने आपको स्टडी करवाया हुआ है, फाइनली कल इसमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी प्राइस अपने आप को सस्टेन किए हुए है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलैंड फ्लैग भी बना हुआ है। अगर ये वाले लेवल ब्रेक करती है तो सेम टारगेट आपको फिर से आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको जो है स्टडी कर सकते। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये एजुकेशन वीडियो मिल सके और वो भी जो है इजीली सीख सके।